सो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत सारे बातें करने वाले। सो प्लीज मुझ जैसे चने के साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले आज डार्लिंग प्रभास का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी 1000 crore बर्थडे। आप ऐसे ही साल में दो दो तीन तीन पिक्चरें करते जाए ताकि हमें भी व्यूज आते जाए। मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो ऐसा है ना कि इस सच को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि फिल्में उसकी कैसे भी हो, बंदे का स्टारडम अनअफेक्टेड रहता है। अब आप ही लोग देख लो ना, प्रभास की अपकमिंग फिल्मों का लाइनअप देख लो, स्पिरिट, कल्की 2, सलार 2, राजा साहब वगैरह वगैरह, जिसमें से सलार 2 की शूटिंग आज से ही शुरू हो गई, जहां वापस से 3 घंटे की पिक्चर में 12 मिनट का रोल करके 1000 crore कमा के बाकियों को औकात दिखाने आएंगे प्रभास भाई। चलो प्रभास का एक चीज अच्छा लगा कि इतनी बड़ी बड़ी पैन इंडिया फिल्म करने के बावजूद इनके बीच में राजा साहब जैसी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म करना जस्ट फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट, तो भैया ये बहुत अच्छी बात है, जिसका पोस्टर आज ही आया है। अब देखो राजा साहब इस फिल्म का जब पहला ग्लिम्स आया था तब प्रभास काफी नहाए धोए लग रहे थे, एंड आज मोशन पोस्टर आया जिसको देखकर मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि यस इट्स अ मजेदार पोस्टर। यार जब ये मोशन पोस्टर स्टार्ट होता मेरे को वो सिगरेट वाला सीन देख के लगा कि ये संजय दत्त है फ्रॉम लियो, बट बाद में जब मैं पूरा पोस्टर देखता हूं तब मेरे को पता चलता है कि अच्छा हां ये तो रितेश देशमुख है, नहीं ये प्रभास है। द पोस्टर लुक्स हार्ड। बस राजा साहब ये प्रोजेक्ट मीडियोकर नहीं निकला ना तो फिर देख लेना अगला बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर ये भी हो सकता है। अच्छा बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर से याद है कि कल मैंने सुपरस्टार यश का इंटरव्यू देखा अनुपमा चोपड़ा के साथ। अब देखो यार कन्नड़ा फिल्म का मैं रिव्यू करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन मैं सुपरस्टार यश को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता, बिकॉज आई ट्रूली एडमायर हिम अलॉट। देखो लोग भले हंसेंगे मेरे इस बात से एंड बोलेंगे कि भाई तू एक ही फिल्म देख के किसी एक्टर का कैसा डाई हार्ड फैन बन सकता है, तब मैं हक से बोलता हूं कि भाई साहब मेरे लाइफ में खुद मैं इतने लोगों का फिल्म देखा कभी इतना फैन नहीं बना, लेकिन यश का सिर्फ 1 KGF देखा और मैं डाई हार्ड फैन बन गया। भाई बंदा पर्दे पे कितना भी तबाही मचाए लेकिन रियल लाइफ में एक अच्छे इंसान की परिभाषा है। अबे मैं आप लोगों को बताता हूं ना, जब KGF रिलीज हुई थी बंदा तब भी वैसा ही था, और KGF 2 आने के बाद जब सुपरस्टार हो गया बंदा तभी भी वैसा ही है। बाकी ऐसा है ना कि इतना तो अपन भी समझते कि बंदा उस पोजीशन पे तो उसको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है, सोच समझ के चलना बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसके दौरान वो बंदा किसी को ना भूला है ना इग्नोर किया है। यार आप ही सोचो ना, कल अनुपमा चोपड़ा के साथ इंटरव्यू में बंदे ने अपने प्रेजेंस की जो वैल्यू रखी है ना भाई साहब, वो पूरा वीडियो किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लग रहा था। कल का इंटरव्यू देखने के बाद मैं खुद सोच रहा था कि बंदा इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया, KGF जैसा कमर्शियल हिट देने के बाद उसकी अगली फिल्म कैसे उसने गीतू मोहनदास के साथ अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन किया। एंड द वे ही एक्सप्लेन्स, आप लोग खुद सोच उठोगे कि काश हर बड़ा सुपरस्टार कंटेंट कमर्शियल मसाला छोड़ के इनके जैसा सोच रखता तो आज कंटेंट की दर्जा वैल्यू अलग लेवल पे हो जाती। एंड पता नहीं मेरी इस बात से कोई एग्री करे या ना करे, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि कन्नड़ा इंडस्ट्री से फिल्में आए या ना आए, लेकिन यश का सिर्फ एक फिल्म पूरे कन्नड़ा इंडस्ट्री को संभाल लेगी। यार सोचो ना, यश को लगे मैं हर बार आप लोगों को बोलता था कि यार पर्सनैलिटी हो तो यश जैसी वरना उर्फी जावेद ही सही, लेकिन अब तो मैं खुद बोलता हूं कि पर्सनैलिटी भी हो यश जैसी एंड सोच भी हो यश जैसी। इनफैक्ट KGF 2 के सक्सेस के बाद जाहिर सी बात है यश को तो ना जाने कितने सारे स्क्रिप्ट आए रहेंगे, लेकिन बंदे ने अच्छा खासा टाइम लिया, पेशेंस रखा एंड स्मार्ट वे में, क्लेवर वे में उसने अच्छी स्क्रिप्ट चॉइस की, जिसकी वजह से लाइनअप उनकी तगड़ी लग रही है, टॉक्सिक, रामायण एंड बाद में KGF 3। आई थिंक अगर आप इंडियन सिनेमा इंडियन एक्टर्स की ओर देखोगे तो सिर्फ प्रभास एंड रणबीर कपूर के बाद सिर्फ यश की लाइनअप गारंटी देती है बॉक्स ऑफिस का। अच्छा वैसे कल के इंटरव्यू में यश ने एक बहुत सही लाइन बोली कि जस्ट बिकॉज इट इज नॉट डन बिफोर दैट डजंट मीन इट कांट बी डन, वी ऑल आर इन इल्यूजन एंड लेट मी इन बिगर इल्यूजन। अब इसका मतलब मत पूछना इंग्लिश में, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू, भाई मजा आ जाएगा। अरे भाई तुम इस इंटरव्यू में बस उसका लुक देख लो, बंदा किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल एक तरफ प्रभास चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फिल्मों से सिनेमा फाड़ रहे, तो दूसरी तरफ यश अपने एक झलक से पूरा सोशल मीडिया पे दहाड़ रहे। चलो मेरे को तो दोनों चीज मजा आ गया, बाकी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज यार कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार सब्सक्राइब करने में इतना भाव मत खाओ यार, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।